All right. So today we are going to revise theory of demand. हमने start कर दिया था. Coming to the next topic of demand का meaning हो गया था. Demand function, demand schedule, demand curve मैंने बता दिया था. I am going to start with the determinants of demand or demand function. As I already told you बेटे, जिस भी word के साथ word function लग जाता है economics में, उसका मतलब होता है relationship. ठीक है? हर वेरिएबल एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है. इंटरडिपेंडेंस है ना द इकोनॉमी. देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस अमंगस्ट द वेरिएबल्स. वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन अनदर वेरिएबल. सो डिमांड जो है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स लाइक price of the commodity, price of the related commodity, income of the consumer. Now it's easy to grasp, no? Revise कर रहे हैं ना, हम एक बार already discuss कर चुके हैं, तो अब जो मैं कह रही हूँ वो easily समझ में आना चाहिए आपको कि किसी भी commodity के आप कितने units लेने को तैयार हो, यानी कि demand है किसी भी commodity की, वो different factors के ऊपर depend करती है. उन factors और डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को कहा जाता है डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स. कोई भी वर्ड है, मैं कहती हूं ये मैंने आपको ना, आपने किया नहीं है, प्लस टू में करोगे, कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, सिंपल सा वर्ड मैंने लिया कंजम्पशन. पता है सबको कंजम्पशन क्या होती है? आपका खर्चा किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है. आप कितने पैसे खर्चोगे किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी इनकम के ऊपर. सो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. सिमिलरली डिमांड डिपेंड्स अपॉन these factors. So what is demand function? Functional relationship between demand of for a commodity and its various determinants. ठीक है? How do we express any function? Demand function कर रहे हैं. How do we express it? We write it as demand for a commodity X is a, क्या लिखते हैं? Equal to लिखते हैं. बोलते क्या है? Is a, f ब्रैकेट लिखते हैं, बोलते क्या है? फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी x इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस. व्हाट डज इट मीन दैट डिमांड ऑफ x इज ए फंक्शन ऑफ? इट मीन्स डिमांड फॉर कमोडिटी x डिपेंड्स अपॉन, ये इसका फंक्शन है. इसका मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. आपके मार्क्स आपके हार्डवर्क का फंक्शन है. इसका मतलब आपके मार्क्स आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं. डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स. ठीक है, अब डिमांड फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक्सप्रेसेस the functional relationship between demand for the commodity by an individual to its various determinants. yani ek individual nalin hai iski demand pen ke liye demand kis kis factor ke upar depend karegi wo iska individual demand function hai. to ye kitne units pen ke lene ko taiyar hai ya le sakta hai ye sabse pehle depend karega. agar hum x ki demand ki baat kar rahe hain, x pen hai तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्राइस ऑफ पेन के ऊपर. एक्स की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एक्स के प्राइस के ऊपर. छोटे बच्चे से भी पूछ लो, बेटे ये कितने यूनिट्स लोगे? तो वो कहेगा कितने का है, उसके ऊपर डिसाइड करेगा ना मैं कितने यूनिट्स लूंगा. छोटे बच्चा भी ये देखेगा ये कितने का है, तो मैं डिसाइड करूंगा मैंने इसके कितने यूनिट्स खरीदने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर ऑन विच डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी
इज डिपेंडेंट इज नोन एज इज प्राइस ऑफ कमोडिटी. कैसे अफेक्ट करेगी? अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. यानी प्राइस, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. बट देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो. सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता डिमांड ऑफ एक्स, इट डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. मैं रिलेटेड गुड को वाई नाम दे देती हूँ. वट आर रिलेटेड गुड्स? जिनका प्राइस दूसरी कमोडिटी की डिमांड के साथ के ऊपर, जिनकी रिलेटेड गुड वो होते हैं जिनकी जिनकी प्राइस दूसरी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है. ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ each other, tea and coffee, different brands of pens, ठीक है, और any many commodities are close substitutes of each other. जी, Coke and Pepsi, ठीक है, these are substitutes. So अगर किसी substitute good का price change हो तो given commodity यानी Y का price change होगा तो x की डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर x और y सब्स्टिट्यूट्स हैं. ठीक है, इसने कहा पेप्सी एंड कोक, तो आप इससे रिलेट करते हो, इसीलिए हम पेप्सी एंड कोक की एग्जांपल दे देते हैं. बात कर रहे हैं हम कोक की डिमांड की. कोक की डिमांड कोक के प्राइस से अफेक्ट होती होती है, पेप्सी के प्राइस से भी अफेक्ट होती है. वो कैसे? अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाए तो आप पेप्सी कम खरीदोगे, पर गर्मी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक तो पीनी पीनी है, तो कोक ज्यादा खरीद लोगे. कोक की डिमांड बढ़ जाएगी. कोक उतने का ही है, 10 रुपए का. पहले 100 कोक लेते थे, अभी भी 10 का आप 200 कोक लेने लग गए. ये कोक की डिमांड कैसे बढ़ी? पेप्सी की प्राइस बढ़ने के कारण. अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाए, 8 रुपए की होगी, कोक की जगह क्या लोगे? तो कोक की डिमांड कम हो जाए. ठीक है, तो ये तो एग्जांपल है. वैसे क्या बना? इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी विल आल्सो राइज, एंड वाइस से वर्सा. यानी डिमांड फॉर कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन है. एरो एक तरफ जानी, ऐसे याद रखना. ठीक है, कमिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, विच आर जॉइंटली डिमांडेड, विच आर जॉइंटली डिमांडेड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट. अभी मैं आपको बोलूं बेटे ये लो चाय पत्ती, मेरे को चाय बना के ला दो, तो क्या सिर्फ चाय पत्ती से चाय बन जाएगी? We need water, milk, sugar, gas to make a cup of tea. All these are complementary goods. Similarly, मैंने आपको, आपके parents ने कार ले दी आपको, ठीक है, और पेट्रोल दिलवाने के पैसे नहीं दिए, कार चला पाओगे? फोन ले दिया, सिम नहीं लेके दिया, कॉल कर पाओगे? नहीं. तो ये complementary goods हो गए, एक के बिना दूसरा अधूरा है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर बढ़ जाए, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं कार और पेट्रोल. डिमांड किसकी हो रही है? कार की. इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? पेट्रोल है. अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या करोगे? कार की डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी. लोग कहेंगे हम डीजल की कारें लेंगे, यानी कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाएगी. अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि नाउ यू कैन अफोर्ड टू ड्राइव अ कार, सो यू विल बाय मोर ऑफ कार्स. ठीक है, मतलब कार की डिमांड ना सिर्फ कार के प्राइस के ऊपर, पेट्रोल के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है. और कैसे डिपेंड करती है?
नेगेटिवली. इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस, डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी विल फॉल एंड वाइसे वर्सा. एमसीक्यू बन सकते हैं. इफ विद राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड डिमांड फॉर अदर गुड फॉल्स, हाउ आर दीज टू गुड्स रिलेटेड? ए सब्स्टिट्यूट गुड्स, बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. बोलो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सी नॉर्मल गुड्स, डी इंफीरियर गुड. तो नॉर्मल और इंफीरियर तो इनकम से रिलेट करते हैं, तो शॉर्ट लिस्ट होगी आपकी चॉइसेस. यहाँ ये सब्स्टिट्यूट है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री. तो अगर आपने माइंड में प्लस और माइनस रखा हुआ है तो फिर सोचने की भी नहीं जरूरत, वर्कआउट भी नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा ये दो ऐसे करते हैं. कार और पेट्रोल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कार का प्राइस बढ़ा, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने माइंड में क्या रखा हुआ है, प्लस और माइनस. अगर ये एरो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये एरो सेम डायरेक्शन है तो सब्स्टिट्यूट. व्हाट इट? ऑल राइट, मूविंग फर्दर. अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. आपकी इनकम भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है. किस तरह से अफेक्ट करती है ये भी कोई भी बच्चा आपको बता देगा कि भी मेरी इनकम, मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो मैं ज्यादा गुड्स लूंगा, पॉकेट मनी कम कर दो तो मैं कम गुड्स लूंगा. लेकिन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकम डज नॉट ऑलवेज पॉजिटिवली अफेक्ट द डिमांड. How income affects demand? It depends upon the type of good you are consuming. Goods we classify as normal goods and inferior goods. Normal goods are those goods whose income effect is positive. Yani jinki income badhne se aap jinki demand badha dete ho aur income ke kam hone se jinki demand kam kar dete ho, wo goods kya hote hain? Normal goods hote hain. ठीक है. एनी गुड कैन बी नॉर्मल एज वेल एज इंफीरियर, सो आई विल नॉट बी साइटिंग एनी एग्जाम्पल. ठीक है, कोई भी गुड नॉर्मल हो सकता है अगर उसकी इनकम बढ़ने से. आप दिन में एक चिप्स का पैकेट कैंटीन में जाके खाते हो, आपको डेली 10 रुपए मिलते हैं पॉकेट मनी में. आप डेली कैंटीन जाते हो, आप एक चिप्स का पैकेट 10 रुपए वाला खा लेते. अब आपके पापा ने आपकी पॉकेट मनी बढ़ा दी, 20 रुपए देते हैं, तो आपने 2 चिप्स के पैकेट खाने शुरू कर दिए, तो वो चिप्स का पैकेट क्या हुआ? नॉर्मल, क्योंकि इनकम के बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ गई. सो ऐसा होता है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, और इनकम कम होती है डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स डिक्रीजेस. ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज सो, इट हैपन्स ओनली इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट इनफीरियर गुड्स. आपको 5 रुपए मिलते हैं डेली पॉकेट मनी के. ठीक है, आप फन फ्लिप्स का एक पैकेट आता है वो खा लेते हैं डेली. अब आपके पापा ने आपकी पॉकेट मनी कर दी 10 रुपए. आपके पास 2 चॉइसेस हैं. एक, आप फन फ्लिप के 2 पैकेट्स ले लो. ठीक है, 2 पैकेट ले लो, या आप अंकल चिप्स का 1 पैकेट ले लो. ठीक है, क्या कोई भी आप एग्जांपल दे दो, आप बताओ क्या करोगे? एनी वन ऑफ यू, आप क्या करोगे? फन फ्लिप के 2 लोग हैं. ठीक है, अगर ये फन फ्लिप के 2 लेता है तो इसके लिए फन फ्लिप नॉर्मल गुड है. ये क्या हो गया? नॉर्मल गुड. आप में से कोई स्टूडेंट जो फन फ्लिप छोड़ के अंकल चिप्स लेना शुरू कर देगा, आप करोगे? ये कर लेगा, क्योंकि इसको फन क्यों? क्योंकि ये फन फ्लिप इसलिए खाता था क्योंकि ये अंकल चिप्स को अफोर्ड नहीं कर पाता था. इसको पैसे कम मिलते थे तो, लेकिन भूख लगती थी तो ये फन फ्लिप खा लेता था. अब इसको जब लगा कि 10 रुपए मिल रहे हैं मेरे को, तो ही वुड स्विच हिज डिमांड टू अंकल चिप्स. फन फ्लिप की डिमांड क्या हो जाएगी? 0.
कम हो गई, इसकी तो पॉकेट मनी बड़ी ना बेटे, पर फन फ्लिप की डिमांड इसने क्या कर दी, कम कर दी। कल को फिर अगर इसकी पॉकेट मनी कम कर देंगे तो फिर ये किस पे स्विच हो जाएगा, किस पे, फन फ्लिप पे, यानी फन फ्लिप की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसके लिए फन फ्लिप क्या हुआ, इनफीरियर गुड, जिसकी इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और इनकम के कम होने से जिनकी डिमांड बढ़ती है उनको क्या कहते हैं, इनफीरियर गुड्स। कई बार हम कह देते हैं इनफीरियर गुड्स आर सब स्टैंडर्ड गुड्स, बट दैट इज नॉट एक्यूरेट डेफिनेशन। एनी गुड कैन बी नॉर्मल फॉर वन, इनफीरियर फॉर अनदर। इसने बोला मैं फन फ्लिप 2 पैकेट ले लूंगा, इसके लिए फन फ्लिप क्या है, नॉर्मल, उसके लिए क्या है। तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ये कह देती बेटे फन फ्लिप इंफीरियर गुड है तो ये जस्टिफाई होता नहीं होता, क्लियर। तो फिर भी हम ये कह देते हैं जो सब स्टैंडर्ड गुड्स हैं, जैसे कि डालडा है जो कि पुअर पीपल इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड गुड्स खरीद नहीं सकते, ठीक है। डालडा हो गया या बाजरा, कोर्स ग्रेन्स, रफ क्लॉथ, इनको हम एग्जाम्पल दे देते हैं। अदरवाइज टेक्निकली स्पीकिंग सेम गुड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉर्मल और इंफीरियर। मैंने आपको एग्जाम्पल दी भी थी, आप नाइकी के शूज लेते हो, इनकम बढ़ती है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो, यानी नाइकी के शूज आपके लिए क्या है, नॉर्मल गुड है। लेकिन जो एक्शन के शूज हैं वो आपकी इनकम बढ़ेगी, पहले आपके पास एक्शन के शूज थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई, अब आप नाइकी पे स्विच कर गए, तो एक्शन की आपने डिमांड क्या कर दी, एक्शन शूज की डिमांड कम कर दी। इसका मतलब आपके लिए एक्शन के शूज क्या हुए, इनफीरियर हुए ना। वही कोई और एक गरीब बच्चा है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स खेलता है, तो जब उसकी, उसको 2 पेयर ऑफ शूज चाहिए होते हैं खेलने के लिए, जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो पहले वो एक्शन के एक शूज लेता था, इनकम बढ़ेगी तो एक्शन के कितने शूज लेगा, 2। यानी इनकम के बढ़ने से एक्शन शूज की डिमांड उसके लिए, तो उसके लिए एक्शन के शूज क्या है, आपके लिए क्या थे, इनफीरियर, ठीक है, ओके। सो हाउ इनकम अफेक्ट्स डिमांड, पता चल गया। हमेशा ये नहीं कह देना बिना सोचे समझे, मैम इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, सोचना क्या है, सोचना है, डिपेंड करता है आप कौन सा गुड खरीद रहे हो। नॉर्मल के केस में इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा, इनफीरियर के केस में इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड कम हो जाएगी। सो ये डिपेंड करता है एक्स नॉर्मल है या इनफीरियर, ठीक है। फोर्थ फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज अ वाइड टर्म, इट डज नॉट इंक्लूड जस्ट टेस्ट बड, आपका टेस्ट, आपके फैशन, आपके कस्टम्स, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ठीक है, फेस्टिवल सीजन, ये सब कस्टम्स में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपका टेस्ट फेवरेबल है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर टेस्ट अनफेवरेबल है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे अगर फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो शुगर, लोग मिठाइयां बनाते हैं या खरीदते हैं, तो मार्केट में शुगर की डिमांड बढ़ जाएगी। गेस्ट आते हैं हमारे घर तो हम कुछ स्वीट बनाते हैं, तो यहाँ मिल्क ज्यादा लेते हैं तो मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही फेस्टिवल सीजन खत्म होगा, ठीक है, सर्दियां भी आ जाएंगी तो आप लोग शेक्स वगैरह पीना कम कर दोगे तो घर में मिल्क की डिमांड कम हो जाएगी, अनफेवरेबल टेस्ट। लास्ट फैक्टर, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। सो इफ यू एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन फ्यूचर, किसी भी कमोडिटी का आपको लगता है प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो आज उसके ज्यादा यूनिट्स खरीदोगे कि कम, अच्छा कम खरीदोगे, प्राइस बढ़ने वाला है ज्यादा खरीदोगे ना, होल्ड करके रख लोगे, स्पेशली जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, आलू, प्याज, ग्रोसरी,
आपको लगता है इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो क्या करोगे, आज ज्यादा खरीद लोगे इसको। सो सेम प्राइस पे आप उसकी डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू एक्सपेक्ट अ राइज इन फ्यूचर प्राइसेस। इफ यू एक्सपेक्ट प्राइसेस टू फॉल इन फ्यूचर, अगर आपको लगता है कल को इसकी प्राइस कम होने वाली है तो आज इसकी डिमांड कम कर दोगे, कल खरीद लेंगे, हमें क्या जल्दी पड़ी है। ठीक है, सो ये फैक्टर्स हैं जो आप एक इंडिविजुअल, मैंने कहा नलिन, नलिन की डिमांड जो है एक्स के लिए उसके वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। बट हमें ये देखना है मार्केट डिमांड, व्हाट इज मार्केट, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स। सो व्हाट इज मार्केट डिमांड फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट विद इट्स डिटर्मिनेंट्स। सो आप सबकी डिमांड जो है फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, रिलेटेड गुड के ऊपर भी, इनकम के ऊपर भी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर भी, फ्यूचर प्राइसेस के ऊपर भी, इसके अलावा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज कम है तो गुड्स की डिमांड भी, पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, इजंट इट। कंपोजिशन, व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोज्ड ऑफ, इन्फेंट्स ज्यादा है, यूथ ज्यादा है, एजिड ज्यादा है? अगर एक पॉपुलेशन में इन्फेंट्स ज्यादा है, बच्चे, तो टॉयज की डिमांड, बॉटल्स फीडर्स की डिमांड, ठीक है, ज्यादा होगी, चॉकलेट्स की डिमांड ज्यादा होगी। यूथ ज्यादा है तो लैपटॉप की डिमांड, मोबाइल फोन की डिमांड, ऑटोमोबाइल्स की डिमांड ज्यादा होगी। एजेड की प्रोपोर्शन ज्यादा है तो मेडिसिन की डिमांड, टॉनिक्स की डिमांड, स्पेक्स की डिमांड ज्यादा होगी। गॉट इट? सो साइज एंड कंपोजिशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड, मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी। लास्ट फैक्टर, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अफेक्ट्स डिमांड? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, आप पॉपुलेशन हो मेरी, मैंने सबको 10-10 रुपए दे दिए, ठीक है, लेट अस सपोज आप सबने एक एक पेन खरीद लिया, 10 बच्चे आए हैं तो 10 पेन्स की डिमांड हो गई, 10 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि मैंने सबको 10-10 रुपए दे दिए। अब मैंने 10-10 रुपए लेके मैंने क्या किया, मैंने इन बच्चों को एक एक रुपया दे दिया, किसी को 20, किसी को 15, किसी को 30 ऐसे दे दिए। 5 बच्चों को 5 रुपए दिए, मेरे पास 95 बच गए, 95 मैंने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 25। अब जिनको एक एक रुपया मिला वो पेन खरीद पाएंगे? उनकी डिमांड जीरो। बाकी सब एक एक दो दो ले लेंगे। 5 बच्चों ने टोटल कितने पेन लिए? 5, है ना, डिमांड कम हो गई। कम हुई, क्या कारण है कम होने का? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो जिस इकोनॉमी में या जिस कंट्री में इनकम इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं, वहां पर डिमांड कम होगी। जहां पर इनकम इनइक्वालिटीज नहीं पाई जाती या कम पाई जाती है, वहां पर डिमांड ज्यादा होगी। समझ गए? दूसरे केस में मैंने आपसे पैसे वापस लेके सबको 10-10 रखे, बाकी वापस लेके इनको दे दिए, अब इनकी अफोर्डेबिलिटी बन गई ना पेन खरीदने की, खरीद लेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्या याद रखना है, जहां पे इनइक्वालिटी है वहां पे डिमांड कम है, जहां पर इक्वालिटी है वहां पर डिमांड ज्यादा है। देखो, जब हम डिमांड की बात करें, लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है या डिमांड फंक्शन इज, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर कमोडिटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करें, ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं बात करें, एक कमोडिटी ले रहे हैं पेन,
पेन का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, यहां इनकम इनइक्वालिटीज होंगी तो पेन की डिमांड कम होगी। बेटे वो तो एक एक अज्यूम करके ही चलना पड़ेगा ना कि आप अफोर्ड कर सकते हो, कोई भी कमोडिटी है उसकी अफोर्डेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना अज्यूम कर लेंगे वो 10 का ये भी नहीं खरीदेंगे तो 0 का ये भी नहीं खरीदेंगे। कोई भी कमोडिटी हो 5 रुपए की या 10 रुपए की, तभी मैंने पहले अजम्पशन ली ना, कोई भी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है तो उसके लिए कुछ चीजें मान के चलनी पड़ती हैं। गिवन सम थिंग्स आर ऑलवेज टेकन एज गिवन, ठीक है। ओके सो दीज वर द फैक्टर्स। तो हमारा इसमें एक टॉपिक रह गया विच इज चेंजेस इन डिमांड। तो आई गेस फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि अब आपका फ्राइडे को स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट है, ठीक है। तो फ्राइडे के बाद फिर हम दोबारा से ये वाला जो टॉपिक रह गया वो कवर कर लेंगे, कल से हम स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन करेंगे। यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास टूडे, रियली बैड।